डॉली किचन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएं। हेलो एवरीवन, डॉली किचन में आपका स्वागत है। आज मैं जो वीडियो देने जा रही हूँ वो उम्मीद है कि आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगी, आपकी नॉलेज को बढ़ाएगी। मेरे साथ जो हुआ है मैं सोचती हूँ कि वैसा आप लोगों के साथ ना हो, मैं इस चीज़ को देखते हुए वीडियो शेयर करने जा रही हूँ क्योंकि मुझे लगा कि मैं यूट्यूब पे अगर काम करती हूँ उसके बावजूद भी मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो हुआ क्या है कि मैंने दिल्ली सुभाष नगर से, यानी सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन पे एविट फैशंस की शॉप है, तो मैंने ऑनलाइन क्यान व्लॉग से उस वीडियो को देखा। उस वीडियो के अंदर बहुत प्यारी प्यारी मेरे को कुर्तीज नज़र आई रीजनेबल रेट के अंदर, तो मैंने वहाँ से 3 कुर्तियों का ऑर्डर दिया। इससे पहले भी मैंने लुधियाना भूमिलन से सूट्स मंगवाए या दिल्ली चांदनी चौक से भी सूट्स मंगवाए, जब भी मुझे अच्छा लगता हुई तो मैं ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ। लेकिन जब मैंने इनसे कुर्तीस मंगवाई तो मैंने इनको देखते हुए पूरी वीडियो इनको स्क्रीनशॉट लिया और स्क्रीनशॉट लेके भेजा कि मुझे ये 3 कुर्तियाँ सेंड कर दें। तो ठीक है, उन्होंने मेरे को वो 3 कुर्तियों का बिल बनाया कि ये पेटीएम कर दो, उसके बाद हम कुर्तियाँ आपको सेंड कर देते हैं। तो चलो, हमने पेटीएम कर दिया, सैटरडे को हमने पेटीएम कर दिया। तो उसके बाद संडे को हमने पूछा तो कहते जी आज तो चलो संडे है, चलो मैं भी मानती हूँ संडे है तो नहीं निकल सकता, कोरियर नहीं हो सकता। तो मंडे को चलो जी आज आपका कोरियर हो गया, हमने कोरियर करवा दिया। तो कोरियर करवा दिया, हमारा अपना भी कोरियर का काम है तो कोरियर करवा दिया। तो कोरियर हमें शो ही नहीं हो रहा नेट से कि कोरियर क्यों नहीं हुआ। तो उन्होंने हमें क्या किया, मंगलवार को हम जी आपको स्लिप भेज देते हैं, हमें स्लिप भेज दी। तो इसकी भी 50 रुपये चार्जेस है, तो हमने उसके चार्जेस भी पे कर दिए, पेटीएम कर दिए कि चलो कोरियर के चार्जेस भी चले गए। उसके बाद वो शाम तक हमें यही कहते रहे कि नहीं हमने कोरियर भेज दिया, हमने कोरियर भेज दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डे बुधवार को वो कोरियर, सारा दिन मैं उनको मैसेज करती रही लेकिन कोरियर तब भी वहाँ से नहीं निकला। बुधवार को रात को नेट से पता लगा कि स्कैन हो गया और कोरियर वहाँ से निकल गया। तो थर्सडे को आज कोरियर यहाँ पहुँचना था तो अम्बाला में, तो दिल्ली से अम्बाला एक दिन में हो जाता है, तो हमारा अपना भी काम है तो हम खुद ही जाकर ऑफिस से भी ले लेते हैं। तो हमने बहुत जल्दबाजी की कि कोरियर वाला आएगा आज आएगा नहीं तो कल आएगा, तो आज हम कोरियर को पिक कर लेते हैं। तो हम गए, हमने कोरियर को पिक कर लिया ऑफिस से डायरेक्ट जाके। तो आके जैसे ही हमने कुर्तियाँ खोली तो उसके अंदर हमें पता चला एक कुर्ती जो है वो फटी हुई निकली है। हम देख के बड़े हैरान कि कुर्ती फटी हुई निकली है जी। सेकंड कुर्ती देखी तो वो कुर्ती चेंज, मतलब उसका कलर वगैरह चेंज। तो चलो कोई नहीं, तो बाद में देखा उनका मैसेज आया हुआ एक बाद में कि एक कुर्ती जो आपकी ट्यूनिक है उसका हमने कलर चेंज भेज दिया है, क्योंकि जो आपने कहा था ना वो हमारे पास डिफेक्टिव था। तो डिफेक्टिव था तो हमें बताओ जी कि डिफेक्टिव है, पीस डिफेक्टिव है, तो अगर हमने दूसरा लेना तो हम ऑप्शन आपके सामने रखते हैं। लेकिन नहीं जी, उन्होंने अपने आप ही कलर चेंज अपनी मर्जी से भेज दिया, जो कलर हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो तीसरी कुर्ती ठीक निकली, यानी 3 कुर्तियों के अंदर से एक कुर्ती हमारे काम आई, 2 बेकार। तो चलो यहाँ तक भी बात ठीक है, हमने उसी टाइम कैमरे से उसकी पिक ली, फटी हुई कुर्ती की पिक ली, साथ के साथ उनको पिक सेंड करी और उनको फोन करना शुरू कर दिया। तो मैं आपको कुर्ती दिखाना चाहूँगी। तो एक कुर्ती ये है जो कि फटी हुई निकली है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखो, इस जगह से ये कुर्ती बैक से, इस जगह से ये कुर्ती फटी हुई निकली, ये आपको दिख रहा होगा, मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको क्लोज से। तो ये मैं आपको क्लोज करके दिखा रही हूँ, कुर्ती फटी हुई निकली है, बैक से फटी हुई है कुर्ती, ठीक है। मैंने साथ के साथ पिक ली और साथ के साथ उनको भेज दी। और ये देखो साइज, डबल एक्सेल उनको साइज दिया था, तो ये एक्सेल साइज की कुर्ती है जो भेजी उन्होंने, यानी ये पूरी भी नहीं आई, ठीक है, इसका साइज भी छोटा। उसके बाद ये फटी हुई। अब ये सेकंड कुर्ती है जो हमने पसंद की थी, वो बहुत ही प्यारी कुर्ती थी नेवी ब्लू कलर की, लेकिन ये हमारे पास ये कुर्ती आई है जो कि मेरे को पसंद नहीं है, कलर भी पसंद नहीं है, इसके ऊपर का कलर भी मुझे पसंद नहीं, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे डालनी पड़ेगी क्योंकि मैंने इसकी पेमेंट उनको दे रखी है, पे कर रखा है, ठीक है। एक तीसरी कुर्ती है जो वो ठीक निकली है, 3 कुर्तियों में से एक कुर्ती ठीक निकली है, 2 कुर्तियाँ बिल्कुल बेकार निकली हैं। उसके बाद क्या हुआ, मैंने जैसे ही उनको पिक भेजी तो उन्होंने कहा, उन्होंने मेरे को क्या कहा, इसीलिए मैंने स्पेशल आज वीडियो बनाई है अपने व्यूअर्स के लिए कि जो लोग मुझे देखते हैं उनको भी पता चले कि ऐसा भी हो सकता है, भाई मेरे साथ हुआ तो आपके साथ भी हो सकता है, तो आप भी अलर्ट रहें इस चीज़ के लिए, मतलब कि ये काम हो सकता है आप अपने लाइफ में कभी भी मंगवाते हैं। तो मेरे को वो क्या कहते हैं कि ये तो जी आपकी गलती है, हमने
कोरियर जो किया हम तो चेक करके भेजते हैं भी, चेक करके अगर आप भेजते हो, मेरे पास कोरियर आया है और मैं उसी टाइम से आपको फ़ोन करी जा रही हूँ, मेरा फ़ोन उठा नहीं रहे। मुझे गुस्सा आता जा रहा है कि मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। मैं फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर रही हूँ, उसके बाद मैं किसी और के फ़ोन से फ़ोन कर रही हूँ, एक मिनट में उठा लेते हैं, उसके बाद मुझे गुस्सा आता है कि मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, दूसरे नंबर से उठा लिया। तो ये सबसे गलत बैड डीलिंग है उनकी कि अगर उनसे गलती हो भी गया वो रिलाइज करें, मेरा फ़ोन उठाएं कि हाँ जी मैडम जो भी बात है आप हमें वापस भेजें या रिटर्न करें जो भी है जैसे भी। लेकिन नहीं, जब मैंने उनको दूसरे नंबर से फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन उठा लिया। उठाने के बाद वो मुझे कहते हैं जी ये तो आपकी गलती है, आपको जब कोरियर आप लेके आए थे ना तो आपको कोरियर खोलते हुए एक पूरी वीडियो बना लेनी चाहिए थी, तब हम उसको समझते कि वो फटा हुआ निकला है, इसमें आपकी गलती है। भाई मैं तो आगे भी मैंने लुधियाना रूप मिलन से कई बार सूट मंगवाया, उनकी मेरे पास हमेशा पिक्स आती है, मैं मंगवा लेती हूँ, मेरी कभी हुआ ही नहीं ऐसा मेरे साथ। दिल्ली से मैं मंगवाती हूँ, चांदनी चौक से एक भैया है उनसे मंगवाती हूँ, कभी हुआ ही नहीं। मुझे क्या पता भाई आपकी ऐसी डीलिंग होगी मेरे साथ, इतनी बैड डीलिंग, जबकि मैंने मंगवाने से पहले उनको कहा था कि मेरी डीलिंग आपके साथ बड़ी अच्छी रहेगी क्योंकि कुर्तियाँ मुझे बहुत पसंद आई हैं। लेकिन आने के बाद ना साइज़ वो भेजे जो मेरे को साइज़ बोले, ना कुर्तीज़ वो भेजी, और जो एक वो भेजी और वो कुर्ती फटी हुई निकली। तो भाई अगर वो मुझे ये कहते हैं कि आपने खोलते टाइम वीडियो नहीं बनाई, वीडियो बनाते फिर हम मानते, अब तो हम नहीं मानेंगे। तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ क्या भाई आपने पैकिंग करने के टाइम वीडियो बनाई थी कि ये हम बिल्कुल ठीक पीस डाल रहे हैं, या जो आपने ऑर्डर किया था हम वही पीस डाल रहे हैं, आपने भी तो नहीं ना बनाई। हमें क्या पता कि आप हमारे साथ ऐसे करोगे। और सेकंड जो है वो मैंने उनको बोला कि कलर दूसरा, वो कहते हैं हमने तो मैडम आपको बता दिया था कि कलर दूसरा है तो भेज दिया हमने। भाई भेज दिया का क्या मतलब होता है, जब आपके पास कलर है ही नहीं तो मैं आपको ऑर्डर सेंड कर रही हूँ, आपके पास कलर नहीं है, आप मुझे इन्फॉर्म करो कि मैडम ये आपका कलर हमारे पास नहीं है, हम दूसरा कलर आपको भेज दें या आप कोई और पीस पसंद कर लें। अपने अब आप मुझे भेज रहे हो, उसके बाद मुझे कह रहे हो कि वो कलर नहीं है, हमने तो भेज दिया। मैंने कहा भी मैंने वो कलर नहीं लेना, तो मुझे कहते अब तो कोरियर हो चुका, ये तो कोई डीलिंग ना हुई, जबकि कोरियर उस टाइम तक नहीं हुआ था। पहले तो हमें शनिवार बुक कराने के बाद मिल रहा है वीरवार, उसके बाद हमारा सामान बिल्कुल भी ठीक नहीं आया, रिटर्न के नाम पे बिल्कुल कोरा जवाब कि नहीं जी रिटर्न नहीं होगा। चलो उसके बाद मैंने एक बार फ़ोन किया, दो बार फ़ोन किया, मेरा फ़ोन नहीं उठाया, दूसरे से फ़ोन किया तो उठाया। फिर मुझे क्या कह रहे हैं जी हम आपको थोड़ी देर बाद बताते हैं पता करके कि क्या आपके पास पीस फटा हुआ क्या, हम चेक करते हैं। चलो जी कर लो चेक। उसके बाद मैं फिर फ़ोन करने जा रही हूँ, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। फिर मैंने दो घंटे के बाद किसी और के फ़ोन से, अपने हस्बैंड के फ़ोन से लेके फ़ोन किया, फिर फ़ोन उठा लिया। फिर मैंने उनको बोला अभी आपने मेरे को रिप्लाई क्यों नहीं दिया, कहते जी मैडम हम इससे बात नहीं करेंगे, आप व्हाट्सएप पे बात करो। फिर मेरे को व्हाट्सएप पे बोले कि हमारा तो कोई कसूर नहीं, हम तो पूरा चेक करके भेज रहे हैं, आपका कसूर है, आप वीडियो बना लेते। कोरा जवाब। जब मेरे साथ आज ये हुआ तो मेरे दिमाग में ये आया, फिर मैंने उनको ये बात कही कि मैं इस चीज़ की वीडियो बनाऊंगी, मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं वीडियो बनाऊंगी और मैं वीडियो डालूंगी, क्योंकि जैसे मेरे साथ ये धोखा हुआ या जैसे मेरे साथ ये गलत हुआ वैसे किसी और के साथ ना हो। आप भी इस चीज़ के लिए अलर्ट हो जाओ कि जो भी दुकानदार बहुत शरीफ दिखने वाला, कि बड़ी मीठी मीठी बातें होती हैं दुकानदारों की, वो दिखने वाला ज़रूरी नहीं है कि अच्छा हो। उस दुकानदार ने, उस भैया ने मेरे साथ दोबारा बात नहीं की। जब भी फ़ोन किया किसी लड़की ने उठाया, जो उनकी दुकान की कोई वर्कर होगी या उनकी कोई कुछ भी जो भी काम करने वाली होगी, कोई स्टाफ मेंबर होगी, उसी ने मेरा फ़ोन उठाया, पिक किया। मैंने कहा भैया से बात करा दो, भैया से कोई बात नहीं। सिर्फ उन भैया ने ऑर्डर लिया, जो दुकान के ओनर है उन्होंने सिर्फ ऑर्डर लिया, सिर्फ मीठी मीठी बातें, जो वो अपनी वीडियो दिखाते हैं कैन व्लॉग्स वाले उनकी तकरीबन वीडियो डालते हैं। मैं उनसे भी कहना चाहूँगी कि आप व्लॉग बनाते समय दुकानदार को ये तो देख लो कि वो जेन्युइन है, क्या उसकी डीलिंग ठीक है। मैं इसका फीडबैक भी उन्हें कंप्यूटर पे उनकी वीडियो के अंदर ज़रूर दूंगी, क्योंकि मुझे बहुत अफसोस है कि मेरी तीन की तीन कुर्तियां, मतलब तीन में से मेरी दो कुर्तियां बिल्कुल बेकार है, जो उन्होंने वापस करने के नाम पे मुझे ना कर दिया। मैंने उनको ये भी कहा मैं यूट्यूब, लेकिन उनको कोई असर नहीं, इतनी डीट बनती है उनको बिल्कुल भी नहीं पता कि ये चीज़ अगला परेशान है या कुछ है। चलो तुम एक ही वापस ले लो, जो फटी हुई है वही वापस ले लो, चलो जो तुमने गलत भेज दी कलर दूसरा भेज दिया कोई बात नहीं, तुम फटी हुई तो वापस लो। लेकिन मैं आपसे व्यूअर से ये कहना चाहूँगी जो मेरी वीडियो देख रहे हैं कि आज के बाद आप बहुत अलर्ट हो जाएं, कभी भी आप कुछ भी ऑनलाइन मंगवाते हैं ऑनलाइन परचेजिंग से पहले आप ये चीज़ सोच के चलें, आपके साथ कुछ भी हो सकता है,
ज़रूरी नहीं है कि आपका साइज़ आपको आएगा, ज़रूरी नहीं है कि आपने जो चीज़ मंगवाई है वही आपको आएगी, ज़रूरी नहीं है कि चीज़ बीच में से ठीक निकलेगी। और जब भी आप कोई भी पार्सल मंगवाते हैं, कोई भी चीज़ मंगवाते हैं, कुछ भी, ये नहीं कि सिर्फ कुर्ती या सूट्स, नहीं, कुछ भी, तो आप प्लीज़ उसको खोलते हुए उसकी वीडियो ज़रूर बना लें। आपके पास प्रूफ ज़रूर होना चाहिए। आपको कुछ पता नहीं है कि किस टाइम आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, दुकानदार साफ मुकर जाए कि हमने तो ये भेजा ही नहीं, हमने तो आपको ठीक भेजा, आपने खुद ही ख़राब कर दिया। हो सकता है आपके साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मेरे साथ तो मैं ऑफिस से खुद डिलीवर करके खुद लेके आई हूँ, आते ही खोला है। अभी तो मैंने इतनी इंतज़ार भी नहीं करी कि मेरे को डिलीवर हो उसके बाद मैं खोलूँ, मैं तो खुद लेके आई, 5 मिनट के अंदर खोला, साथ के साथ फ़ोन कर दिया, साथ के साथ मैसेज कर दिया। तो भी मेरे साथ ऐसा हुआ तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर ध्यान में रखें, मेरी इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें कि ऑनलाइन परचेजिंग हमें अच्छी ज़रूर लगती है, लेकिन उसके अंदर बहुत कई बार नुकसान भी होता है। तो उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, और मेरी यही कोशिश है, वीडियो इसीलिए डाली है कि जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ ना। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जिसको नहीं पता उसको भी इस चीज़ का पता चल जाए, और मेरी तरह दूसरा कोई बंदा भी धोखा ना खाए।